हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपनी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो के एंड तक आते आते आप समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कितना है। तो आपको इम्यूनिटी लेवल चेक करने के लिए क्या करना है, हम आपके इम्यूनिटी को जानने के लिए एक स्कोर कार्ड बनाएंगे जिसमें हम सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। लेकिन स्कोर कार्ड को भरने से पहले आप एक सिंपल सी बात को समझिए कि किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी लेवल कितना स्ट्रांग है, यह जानकारी पता चलेगी कि उनकी बॉडी अंदर से कितनी ज़्यादा साफ है। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे सामने दो डस्टबिन हैं, एक में कचरा भरा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गार्बेज है उसमें, और दूसरा एकदम खाली है। तो आप ही मुझे बताइए कि जो कीटाणु है, जो गंदगी है, वह किस जगह पर आके बैठेगी या किस जगह पर अपना घर बनाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जिस जगह पर जो डस्टबिन बहुत ज़्यादा फिल है गंदगी से, उसमें ही कीटाणु आएंगे, और जो डस्टबिन साफ है उसमें कीटाणु नहीं आएंगे। ठीक ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के साथ। जो बॉडी अंदर से साफ है, क्लीन है, उसमें कीटाणु नहीं आएंगे, और जो बॉडी अंदर से गंदी है, बहुत ज़्यादा उसमें गार्बेज है, अंदर से गंदगी भरी पड़ी है, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी बीमारियां आएंगी। अब आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा अंदर से साफ है या कितनी ज़्यादा गंदी है आपकी बॉडी, इस सारी जानकारी को हम जानेंगे 8 स्टेप्स में, और यही आपकी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को चेक करेंगी। हमारे आयुर्वेदों में 8 ऐसी जानकारी दी गई है, 8 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कितना है। हम सबसे पहले देखते हैं अच्छी इम्यूनिटी का पहला लक्षण, वह क्या है कि रोज़ आपका पेट साफ होना। अब इसका मतलब क्या है कि आपका पेट दिन भर में एक बार अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। जिन लोगों का पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होता है, उसका क्या मतलब है कि या तो उनको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। अब कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होने पर आपका पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर अभी भी गंदगी भरी पड़ी है, और यह अच्छी इम्यूनिटी का बिल्कुल भी लक्षण नहीं होता है। क्योंकि यदि आपके शरीर के अंदर गंदगी होगी तो आपके अंदर बीमारियां आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छी इम्यूनिटी का दूसरा लक्षण, आपका वजन ज़्यादा नहीं होना। और यह जो लक्षण है, ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। आपका वजन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपको जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में जमा होती जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में गंदगी को जमा कर रही हैं। अब आपका वजन ज़्यादा है या नहीं है, इसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका वजन आइडियल वजन है या फिर नहीं है। अच्छी इम्यूनिटी का तीसरा लक्षण, आपका चेहरा या आपकी त्वचा साफ होना। कहते हैं ना, हमारी त्वचा हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है इसका स्पष्ट आईना होती है। अब आपके चेहरे पर एक्ने हैं या आपकी स्किन पर एक्ने हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर का जो खून है वह गंदा है। और आपके शरीर का खून गंदा कब होगा? जब आपके शरीर के अंदर गंदगी भरी पड़ी रहेगी और उससे आपका ब्लड इफेक्ट करेगा, गंदा होगा। तो अच्छी इम्यूनिटी के होने का यह लक्षण होता है कि आपका चेहरा एकदम साफ है, आपकी त्वचा एकदम साफ है। तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं कि आपका त्वचा साफ है या फिर नहीं है। अगला जो इसका सिम्टम होता है अच्छी इम्यूनिटी का, वह होता है अच्छी नींद आना। आपको नींद कितनी बेहतर आ रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर जाते हैं और उन्हें सोने में बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे होते हैं कि बिस्तर में जाते ही उन्हें 5 से 7 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। और जिन लोगों को 5 से 7 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, यह नींद आने का सबसे अच्छा तरीका होता है। साइंस और आयुर्वेदिक दोनों यह कहते हैं कि जिन लोगों को 5 से 7 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये लोग बहुत ही स्वस्थ होते हैं। अब अच्छी इम्यूनिटी का जो 5वां लक्षण होता है, वह यह होता है कि दिन में एक बार तेज भूख लगना। बहुत से लोगों को दिन भर पेट भरा भरा महसूस होता है, खाना ठीक से नहीं खाते हैं,
तो इसका मतलब यह होता है कि आपने जो पिछला खाया है वह ठीक तरीके से पचा नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वह भरा हुआ महसूस होता है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है तो यह अच्छी इम्यूनिटी होने का लक्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं कि आपको दिन भर में बहुत तेज भूख लगती है एक बार या फिर नहीं लगती है। अच्छी इम्यूनिटी का छठवां लक्षण होता है आलस ना होना। यदि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको लेजीनेस लगती है, आपको फ्रेश बिल्कुल भी फील नहीं होता है, तो यह अच्छी इम्यूनिटी का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है, वो दिन भर फ्रेश फील करते हैं, उन्हें आलस नहीं आता है। तो आप इसे भी टिक जरूर करिए। इसके बाद सातवां लक्षण होता है अच्छी इम्यूनिटी का कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर के किसी भी अंग में दर्द नहीं होना। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके शरीर में यहाँ पर दर्द हो रहा है तो कहीं वहाँ पर दर्द हो रहा है, तो यह अच्छी इम्यूनिटी का लक्षण नहीं होता है। अच्छी इम्यूनिटी होने का मतलब यही है कि आपकी बॉडी का हर एक अंग स्वस्थ है, कहीं पर भी आपको दर्द नहीं हो रहा है। अच्छी इम्यूनिटी का आठवां लक्षण होता है खुश रहना। यदि आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। वहीं यदि आप ऐसा फील करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है या फिर आप हमेशा खुश नहीं रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो यह अच्छी इम्यूनिटी का लक्षण नहीं है। तो वीडियो का एंड आ चुका है और आप समझ गए होंगे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है या फिर कितनी वीक है। तो आप अपने आप को स्कोर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने स्कोर मिले हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।